अरे कर लीजिए पहचान शेर खान, कर लिया मैं आज तने समझाऊं। अच्छा है को नाते किसान तेरी मैं खुदा की खाऊं, नाते किसान तेरी मैं सब खुदा की खाऊं। अरे कर लीजिए पहचान शेर खा, कर लीजिए पहचान शेर खा, आज तने समझाऊं। है को नाते किसान तेरी मैं सब खुदा की खाऊं, खुदा की खाऊं। अरे आज पका लूंगी तेरे तेरे गिन गिन के एक पाई, कौन कड़े ते आई। अरे क्यों बोले बेईमान झूठ तेरी बन के रही लुगाई, दरबारिया ते चली जाइए जिसमें तेरी भलाई, दरबारिया ते चली जाइए तने अपने हाथों खो दी खाई, अपने हाथों खो दी खाई। नहीं साथ को आंची हाथ है, नहीं साथ को आंची हाथ बे की दफे उठाओ, तो ना देख साथ तेरी मैं सब खुदा की खाओ। रागनी से खुश होकर के 100 रुपए और बड़े भाई भाई बबली राघव जी उनकी तरफ से 1000 रुपए पहले और 200 रुपए इस रागनी पे फिर बार बार धन्यवाद शुक्रिया। और ये 100 रुपए हाँ जी शेर खान के लिए, ये भाई 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कप्तान जयवीर जी। मंच पे पहुंच जाएं, कप्तान जयवीर जी से निवेदन। कप्तान जयवीर जी हाजिर हों। अरे मुल्ला साहब सच सच बता दो, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं मैं। तू? हाँ, एक सच्चा पाक मुसलमान हूं मैं। अच्छा। और तू? हाँ। तूने सुबह से उठकर मुंह नहीं धोया होगा? अच्छा। हेलो, लिपस्टिक लगा के, मांग भर के, मस्कारा लगा के, न्यारे न्यारे सूट पहन के दरबार में चली आई, निकल जाए यहाँ से दरबार से। अच्छा, मतलब हमने तो सुबह से मुंह भी नहीं धोया, तू नहा धो के आया है? 5 टाइम नहाता हूँ। 5 टाइम नहाता हूँ, कभी टोपी को भी धो लिया कर, एक एक मन मैल हो रहा है इसमें। मैल नहीं है, बदबू आ रही है। यो सेंट है सेंट। सुन ले। अरे नटी ऐसा सेंट तूने देखा नहीं होगा। अरे शेर खान मने क्यों बदनाम करे से, भरी सभा में सतियों की इज्जत नीलाम करे से, सच्चा ये मुसलमान ना तू छोटे काम करे से, सच्चा ये मुसलमान ना छोटे काम।
सात जन्म तक याद करेगा, सात जन्म तक याद करेगा, ऐसा खेल दिखाओ, खेल दिखाने वाली को, अरे खेल दिखाने वाली को वाली नटनी। हाँ, वो तो है। अगर तू मुझे कोई नाचने वाली नटनी समझता है तो तू गलत समझता है शेर खान, क्योंकि मुझे गौर से देख, मेरी पहचान कर, मैं कोई नाचने वाली नटनी नहीं हूँ शेर खान। देखो दरबार ये देखो, अरे तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, और तुम भी देखो, ये कोई नाचने वाली नटनी नहीं है ना। ये तो कोई बादशाह की बेगम है, यही समझ ले। हे अल्लाह, हे मेरे मौला, हे मेरे अमीन, आज आज एक हिंदवानी औरत मुसलमानी हो रही है, तुझे जन्नत नसीब मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज एक हिंदवानी मुसलमानी हो रही है, और ना ही मुझे जन्नत नसीब करनी, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए वही मेरी जन्नत है। मुल्लाडी कहीं के बड़े का खाया करे की बड़े का, तू ही खा ले, सुन मेरी बात। अरे मूछ फाड़ के बेईमान तेरी जो छोटी छोटी बना रखी है, अरे मूछ फाड़ के बेईमान तेरी दाढ़ी ने मुड़वाऊ, तेरी कोड़ी की औकात नहीं, शेर खान कहिए नाचने वाली नटनी। नेताजी हम भी काफी देर से इस मुकदमे को सुन रहे हैं, और हम बीच में दखलंदाजी इसलिए कर रहे हैं, हमारी भरी सभा का ये मन है और ये हमारा भी मन है कि शेर खान एक सच्चा मुसलमान है, नमाजी है, हज करके आ चुका है, हाजी है, ये झूठ नहीं बोल सकता। और अभी तक ऐसा कोई प्रमाण भी, कोई साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है, इसलिए हम अपने दरबार का ज्यादा समय बयां नहीं करना चाहते। हम इस मुकदमे से शेर खान को बाइज्जत बरी करते हैं। आई थी नतनिया एक शेर खान से टक्कर लेने के लिए, तो देखा बादशाहों की जवान का जोहर। महाराज आपने तो बिल्कुल एक मेरे साथ अन्याय। चुपचाप चली जा यहाँ से। नहीं अच्छा, हाँ ये नहीं देखनी चाहिए, इसे तुरंत ले जा बहुत जल्दी। चल इसकी तरफ नहीं। महाराज मुसलमानों में सभी इतने बदजलन होते हैं या यही कमीना है इतना? यही है, ये पहले से आदत खराब है महाराज बाजे वाला। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ।
दो मिनट शेष है मेरे। जब तू आठ मिनट में ही कुछ ना कर पाई तो दो मिनट में क्या कर लेगी? दो मिनट में तो इस दो पैसे के ढेर को फांसी पर चढ़वा दूंगी। दो मिनट मांग रही है शेर का। हजू अब लगता है मुझे, अब लगता है मुझे मेरी नवाज का टाइम हो चुका है। दो मिनट उसमें निकाल दे, केस खत्म। अल्लाह ऐसा है अल्लाह पल्ला में अपने घर जाके करियो, हमारे पास फालतू समय नहीं है, यहाँ मुझसे बात करिया, मैं तुझे नवाज आदार नहीं, ये नहीं पढ़ने दे की बड़ी खूंखार है, ना पढ़ने दूं कतई भी, मुझसे बात कर। तू मुझे जानता है कि नहीं जानता? नहीं जानता। लास्ट बार पूछ रही हूँ, गौर से देख और दिमाग पे जोर दे कि तू मुझे पहचानता है या नहीं। मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तू कौन है और कहां से आई है? मैं तुझे नहीं जानता। तो बस चिल्लाने की जरूरत नहीं है शेर खान और महाराज, आप भी सुन लो। बोल, जब आज से पहले तूने मुझे कभी कहीं देखा नहीं, जब तू मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, हाँ। तब बोल, तूने भरी सभा के अंदर राजपूत जाम सिंह चौहान से यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी सोमवती की बाई जांग पर दिल का निशान देखा है? बोल, पकड़ा पकड़ा इसे, पकड़ा। आओ 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 आओ, इधर आओ, मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए। अच्छा, छुट्टी चाहिए हजूर, छुट्टी। लेकिन क्यों छुट्टी चाहिए हजूर? क्यों? मेरी सलमा बीमार है। सलमा कौन है? मेरी बीवी। तेरी बीवी का नाम रजिस्टर में नाजिया है हजूर, वो भी है। कितनी बीवी हैं? सात। और बच्चे? साढ़े इक्कीस। साढ़े इक्कीस नहीं, इक्कीस, इक्कीस होंगे हजूर, साढ़े इक्कीस। अबे उन्नू या इक्कीस या बाईस, साढ़े इक्कीस बच्चे नहीं हो सकते हजूर, साढ़े इक्कीस। अच्छा, निकाह हुए कितने दिन हो गए? दो वर्ष। अबे उल्लू, दो बरस में और साढ़े इक्कीस बच्चे, वो औरत हैं या बकरी हैं जो तीन महीने में बच्चा हो जाता है? हजूर अल्लाह ताला मेहरबान है। खामोश, पाक अल्लाह का नाम अपनी जबान पे लिया। तू तो कहता था मैं एक महीने उसके महल में रह के आया हूँ, ऐसो इशरत करके आया हूँ, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें निशानी दी थी, फेंटा कटारी लाया था। क्या हो रही है? ऊंचा पजामा हम मुसलमान? मैं ऊंचा पजामा नहीं दिखा रही हूँ, आप गौर से देखो हालत क्या हो रही है, ये दिखा रही हूँ मैं। क्या हो रहा है ये शेर खान? ये तो चोर साबित हो रहा है शेर खान। शेर खान क्या हो रहा है? चोर साबित हो चुका है। अब बोल क्या किया जाए तेरे साथ? हजू, हजू, हाँ, कत्ल कर दिया जाए? नहीं हजू, नहीं। बोल, नहीं हजूर, नहीं। क्यों? लेकिन मरने के लिए तैयार हो? नहीं हजूर, अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हजूर। क्यों दया करें? छोटे बच्चे हैं तेरे? छोटे बच्चे। कितने छोटे बच्चे हैं? ये क्या कर रहा है ये ऐसे निकाल के? जब मैं सुबह दरबार के लिए आ रहा था तो मेरी बीवी दर्द से पीड़ित थी। अच्छा, और चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी। क्या कह रही थी? अल्लाह अरे अम्मी, अरे अम्मी। देखिए वहां तेरी पत्नी अम्मी कह रही होगी, यहाँ ये बाजे वाले की इसी अम्मी कह रहा है, यानी कि तेरी एक बीबी गर्भवती है, उसका बच्चा होने वाला है। अच्छा शेर खान, इसीलिए तू साढ़े इक्कीस बच्चे बता रहा था? जी हजूर। लेकिन बेटा 21 बच्चों की भी चिंता मत कर और बीबियों की भी चिंता मत कर, अब तू अपनी चिंता कर और ये बता किस मौत मरना चाहता है? हजूर मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मरना तो तुझे पड़ेगा हजूर,
फांसी जरूर दी जाएगी। 100 के 100% अभी इसी वक्त मैंने जल्लाद भी बुला लिया है। हजूर कुछ ले दे कट भी सकती है? नहीं, मतलब जो लिख दिया वो फांसी लगेगी? फांसी लगेगी, जरूर लगेगी, जरूर लगेगी। तो हजूर मेरे बदले में या नकारे वारे फांसी दे दो। उसे क्यों दे दे? मोटा है। तू फांसी पे अब चढ़ने के लिए तैयार हो फांसी पे? हजूर नहीं। लेकिन तू किस मौत मरना चाहता है शेर खान, वो भी ये बड़ा बदतमीज आदमी है। ये क्या कर रहा है तू, इसे छोड़ दे। ये क्या कर रहा है हजूर? हाँ, फांसी जब भी लगेगी। गुरुजी आप कहो तो इसे ठोक दो। हजूर फांसी तो लगेगी। हाँ, पर फांसी तो लगेगी, पर फांसी को तुम इसे छोड़ दे। अब बता, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जाम दिया जाए या जहर? इतना पैना करो कि इसकी गर्दन सहज में कलम हो जाए। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा हजू, मरना पड़ेगा। हाँ मरना ही नहीं पड़ेगा, यहां फांसी का फंदा लटकाया जाएगा यहां। हाँ हजू, अच्छा ऊपर? हाँ यहां फांसी का फंदा लटकेगा तेरे। कहां? यहां पे। यहां पे लटकेगा? हाँ। तो हजू लगाओ फंदा। अबे ऊपर, ऊपर नहीं, ऊपर फंदा पैरों में नहीं, यहां लटकेगा तेरे। फंदा तो कहीं लगाओ ना, अब तू बच नहीं सकता। फैसला हो चुका है, हो चुका है, मरने के लिए तैयार हो जा शेर खान, और सुन ले लास्ट में। अमर चंद आखिर बना दे ते आज गीत का। तू सतपाल निभाते दर्जा तेरा बना मीते का। तू सतपाल निभाते दर्जा तेरा बना मीते का। अरे सुबह शाम गुरु की सेवा, सुबह शाम गुरु की सेवा करने वे ना जाऊं। छोटे से बच्चे का भुन्ना जाता नगा बदलाओ। तो ना देखी शान तेरी मैं कसम खुदा की खाओ। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार कहते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कहते।